हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनलाइटेंड आईएएस एकेडमी। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का अब हम चैप्टर 2 पॉपुलेशन डील करने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा पहला पॉइंट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें हमें ये साफ दिख रहा है कि 2015-16 कंपेरिजन में छत्तीसगढ़ में 2019-21 तक जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, किसमें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। आप देख सकते हैं कि 2015-16 में जो हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो रेटिंग था, उसका जो इंडिकेशन था वो है 0.133। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे याद रखना है। और वो अब गिर करके 2019-21 में कितना हो गया है, 0.070। इसे याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता क्या है। एक्चुअल में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसे निकालने के हमारे पास बेसिकली तीन डायमेंशंस होते हैं। कितने डायमेंशंस? थ्री डायमेंशंस। कौन कौन से? पहला डायमेंशन है हेल्थ से रिलेटेड, दूसरा डायमेंशन है एडुकेशन से, और तीसरा डायमेंशन है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। ये जो डायमेंशंस हैं, ये तीनों डायमेंशंस का वेटेज है, इक्वल वेटेज है, 1/3, 1/3 और 1/3। अब हर एक डायमेंशन में अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। जैसे कि अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आ जाता है न्यूट्रिशन, चाइल्ड एडोलसेंट मोर्टेलिटी, और तीसरा है मैटरनल हेल्थ। ये तीन इंडिकेटर्स हैं जो किसमें आते हैं, हेल्थ में। एडुकेशन में आता है ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। ये दो इंडिकेटर्स हैं किसमें, एडुकेशन में। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंडिकेटर होल्ड करता है वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसमें है कुकिंग फ्यूल, जो फ्यूल है जिस फ्यूल से हम अपना खाना बनाते हैं वो कुकिंग फ्यूल, दूसरा है सैनिटेशन, तीसरा है ड्रिंकिंग वाटर, चौथा है इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा है हाउसिंग, छठवा है एसेट्स, और नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। ये देख लीजिए, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स और बैंक अकाउंट। ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 इंडिकेटर्स हैं जो किसमें आते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। तो इन तीनों से मिल करके ये कौन सा, पहला हेल्थ, दूसरा एजुकेशन और तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तीनों डायमेंशंस के जो वेटेज हैं उनके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। याद रखिएगा, इसके अंदर के ये जो इंडिकेटर्स हैं ये याद रखने के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन जो है वो है इनके डायमेंशंस, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तीनों का इक्वल वेटेज है 1/3, 1/3, 1/3, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। द हाइएस्ट MPI वॉज 0.255 इन नारायणपुर। 2015-16 में सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहाँ था, वो था नारायणपुर में। कितना? 0.255, जो कि अब कम हो गया है। कब? 2019-21 में कितना हो गया है, 0.183, जो कि हमें बता रहा है कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, जो रिमोट एरिया है नारायणपुर, हमें पता है कि किस तरीके, कितना रिमोट एरिया है, वहाँ पर बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। अब हम देखते हैं कि 2019-21 में सबसे लोएस्ट MPI कहाँ था, दुर्ग में। सबसे लोएस्ट दुर्ग में वो कितना था, 0.14, जबकि हाईएस्ट कितना था,
बीजापुर में 0.262। ये कब का डेटा है? NFHS 5, मतलब 2019-21 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का MPI का ये टोटल वैल्यू 2015-16 में और 2019-21 में कितना था, ये पूरे छत्तीसगढ़ का ओवरऑल है, ये छत्तीसगढ़ के रूरल एरियाज़ का और ये छत्तीसगढ़ के अर्बन एरियाज़ का, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा इस ग्राफ में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में 20 एस्पिरेशनल डेवलपमेंट ब्लॉक्स थे, जो छत्तीसगढ़ के 20 एस्पिरेशनल डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, वो इंडिया के जितने भी एस्पिरेशनल डेवलपमेंट ब्लॉक्स थे वो टोटल थे 500, उसमें से 20 छत्तीसगढ़ के थे। उन 20 एस्पिरेशनल ब्लॉक में से नारायणपुर डेवलपमेंट ब्लॉक है वो फर्स्ट रैंक स्कोर किया, और उसमें भी जो कोयलीबेड़ा है, कोयलीबेड़ा डेवलपमेंट ब्लॉक है, उसने 20th प्लेस स्कोर किया है। ये आपको याद रखना है, ये दो डेटा है, ये करेंट से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल इस्टीमेट पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ का वो अब बढ़ करके 3,05,24,000 हो गया है। आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा इस डेटा को, 3,05,24,000, और ये डेटा जो है ये हमें 1 मार्च 2024 की स्थिति में है। एक बार याद रखिएगा, 3,05,24,000 ये अभी हमारा करेंट पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ का, मार्च 2024 के अकॉर्डिंग। जो टोटल सेक्स रेशियो है वो हो गया है अब 992,992। टोटल वर्किंग पॉपुलेशन परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग पॉपुलेशन परसेंटेज वो है 48.72%। उसी में मेल वर्किंग पॉपुलेशन का परसेंटेज है 57.97 और फीमेल का है 39.40%। ये मेल फीमेल अगर आपको याद ना रहे तो भी चल जाएगा, बट ये टोटल जो है पॉपुलेशन परसेंटेज वो आपको याद होना चाहिए, वर्किंग पॉपुलेशन परसेंटेज। आप देख सकते हैं कि ये 50% भी नहीं है, क्लियर है। अब इस तरीके से अब हम आगे देखते जाते हैं तो हमें दिखता है कि और भी बहुत सारे छोटे छोटे डेटाज हैं, जिसमें आपको पूरे डेटा को याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये डेटा जो हमें दिया गया है वो है मार्च 2024 के अकॉर्डिंग, जिसमें टोटल पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़, टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़, टोटल फीमेल पॉपुलेशन छत्तीसगढ़, SC पॉपुलेशन, ST पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, ऐसे बहुत सारे डेटाज हैं आगे देखने को मिलेंगे। उसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, सारे डेटा याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि आपको याद करना है हाइएस्ट और लोवेस्ट, हर चीज़ का आप हाइएस्ट और लोवेस्ट बस एक बार देख लीजिए। जैसे कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ में क्या कहता है कि हाइएस्ट पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट का है, वो है रायपुर। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा रैंक डिटरमाइन किया गया है वो 33 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से किया गया है ना। अभी करंट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल हैं 33 डिस्ट्रिक्ट, और इस 33 डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो जितने भी डेटा भी अवेलेबल हैं वो हमें दिया गया है मार्च 1, 2024 से अब तक, क्लियर है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहीं सबसे कम मतलब 33rd रैंक में है नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट। टोटल मेल पॉपुलेशन की बात किया जाए तो वंस अगेन रायपुर है फर्स्ट में, जहां पर सबसे ज़्यादा मेल पॉपुलेशन है, और वंस अगेन सबसे कम पॉपुलेशन है मेल का, वो है नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में, क्लियर है। वहीं पर टोटल फीमेल पॉपुलेशन की बात की जाए तो फिर से वही डेटा हमारे पास है, वो है रायपुर में सबसे ज़्यादा फीमेल पॉपुलेशन है और नारायणपुर में सबसे कम फीमेल पॉपुलेशन है। ये तो हो गए हमारे टेबल, अब उसी का हम देख लेते हैं कि किस तरीके से चार्ट के थ्रू हमने इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। आप इसे भी देखकर समझ सकते हैं, हाईएस्ट है रायपुर में, लोएस्ट है नारायणपुर में। वहीं पर मेल की बात की जाए तो ये भी हाईएस्ट रायपुर, लोएस्ट नारायणपुर, और फीमेल भी हाईएस्ट रायपुर, लोएस्ट नारायणपुर। आपको जो सहूलियत लगे, अगर आप चाहें तो ये नंबर वाले जो डेटाज हैं वो भी याद कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन अननेसेसरी डेटा रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी हमारे पास एग्ज़ाम हॉल में जाने पर बहुत सारे डेटाज इतने होते हैं कि हम कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, तो ये डेटा कोशिश कीजिए कि आप याद ना करें, डायरेक्टली आप ये नेम याद कर लें, कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोएस्ट है, क्लियर है।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टोटल एससी पॉपुलेशन की तरफ। एससी पॉपुलेशन में हाईएस्ट, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन है वो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और सबसे कम है वो है सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन रायपुर डिस्ट्रिक्ट में और सबसे कम सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। वहीं पर एससी मेल पॉपुलेशन जो है वो हाईएस्ट है बिलासपुर में। यहाँ पर देखिए मेल पॉपुलेशन अगर बात की जाए स्केड्यूल्ड कास्ट की, तो सबसे ज़्यादा बिलासपुर में है और सबसे कम वंस अगेन सुकमा में। वहीं पर एससी फीमेल जो महिलाएं हैं स्केड्यूल कास्ट की, उनकी संख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रायपुर में है उनकी संख्या और सबसे कम सुकमा में। याद रखना एससी मेल हो या फीमेल हो या टोटल हो, एससी टोटल सभी में लोवेस्ट पॉपुलेशन है वो है सुकमा में, हाईएस्ट जो है रायपुर में है, मेल का बिलासपुर और फीमेल का वंस अगेन रायपुर। ये आप याद रखेंगे, आपको यहाँ पर टेबल में विथ डेटा नंबर के साथ दिया गया है, आप चाहें तो इस चार्ट से भी इस चीज़ को रिकॉल करके रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टोटल एसटी पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़। टोटल एसटी पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ एज ऑन March 1, 2024 हाईएस्ट बस्तर, याद रखिएगा बस्तर डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है और सबसे कम बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में, 33rd रैंक है बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट का, सबसे कम एसटी पॉपुलेशन बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं KCG, इसका मतलब ये है खैरागढ़ छुई खदान गंडई, हमने शॉर्ट में से लिख दिया, आप इसे समझ लीजिएगा। वहीं पर एसटी मेल पॉपुलेशन की बात की जाए सबसे ज़्यादा वंस अगेन बस्तर डिस्ट्रिक्ट, वंस अगेन लोएस्ट जो है वो है बेमेतरा फॉर एसटी मेल पॉपुलेशन। वहीं पर एसटी फीमेल पॉपुलेशन की बात की जाए तो वंस अगेन बस्तर में सबसे ज़्यादा है और बेमेतरा में सबसे कम है। ये थे एसटी पॉपुलेशन से रिलेटेड टेबुलर डेटा। अब यहाँ पर आपको चार्ट में भी इस चीज़ को दिखाया गया है ताकि आप इजीली इन चीज़ों को याद कर सकें। यहाँ तक तो थे हमारे एसटी एससी और टोटल जो पॉपुलेशन है उनका डेटा। अब हम देखते हैं सेक्स रेशियो के बारे में ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के सेक्स रेशियो के बारे में एज ऑन March 1, 2024। सबसे ज़्यादा कोंडागांव है, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है, कोंडागांव में, याद रखिएगा ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। कोंडागांव में कितना है, 1048 फीमेल पर 1000 मेल, मतलब कि आप देख सकते हैं कि 1000, अच्छा ये जो सेक्स रेशियो निकाला जाता है ये पर 1000 मेल में काउंट किया जाता है, मतलब 1000 मेल के कंपैरिजन में कितने फीमेल उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, चाहे वो डेवलपमेंट ब्लॉक हो, डिस्ट्रिक्ट हो, डिवीज़न हो या फिर स्टेट हो या कोई कंट्री हो, वहाँ से निकाला जाता है। क्लियर है? किस में निकाला जाता है सेक्स रेशियो, पर 1000 मेल को बेस मान करके वहाँ के फीमेल पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। इस बेसिस पे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है अर्थात वहाँ सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल वो है 1048, और सबसे कम है जांजगीर चांपा जिसका ये नंबर है, आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा, ये एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है, सबसे ज़्यादा कोंडागांव और सबसे कम जांजगीर चांपा, और इनका नंबर भी याद रखिएगा, जांजगीर चांपा में है 964 फीमेल पर 1000 मेल, ये आपको याद रखना है। अब वहीं पर एससी सेक्स रेशियो की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बस्तर में है और सबसे कम सुकमा में, इनके भी डेटा अगर आप याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर डेटा याद नहीं रहते हैं तो आप कम से कम ये डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रख लीजिए। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि एसटी सेक्स रेशियो छत्तीसगढ़ का, टोटल एसटी सेक्स रेशियो ऑफ छत्तीसगढ़ एज ऑन March 1, 2024 सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सॉरी सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वो है दंतेवाड़ा में और सबसे कम जांजगीर चांपा में, किनका, एसटी जो स्केड्यूल ट्राइब्स हैं उनका सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ है, दंतेवाड़ा में और सबसे कम जांजगीर चांपा में। यहाँ पर एक चार्ट बनाकर भी आपको दिखाया गया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देन कम्स द टोटल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो
एज ऑन 1 मार्च 2024, जिसमें सबसे टॉप पे है हमारा न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड डिस्ट्रिक्ट शक्ति, जहाँ 61.01 का जो हमारा रेशियो है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का, और वहीं सबसे कम है देखिए हमारा छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर, जिसका रेशियो है 40.76। यह है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, सबसे ज़्यादा शक्ति सबसे कम रायपुर। देन कम्स टोटल मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन एंड टोटल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। मेल में देखते हैं सबसे ज़्यादा शक्ति में सबसे कम नारायणपुर में, और फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा कोंडागांव में पार्टिसिपेशन है फीमेल का, और वहीं सबसे कम है दुर्ग में। तो ये था छोटा सा, सबसे छोटा सा लेकिन सबसे ज़्यादा डेटा वाला चैप्टर पॉपुलेशन का। ये हो गया हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट। आप इसे पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। आप चाहें तो इनके PDF को प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं, या फिर थोड़े दिनों बाद आपको इसके प्रॉपर बुक भी मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसे परचेस करके पढ़ सकते हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर अवेलेबल होंगे, जो कि होगा स्टेट इनकम चैप्टर 3।